ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के वृषभ राशि फल के बारे में कि आज के दिन वृषभ राशि वालों को किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, इनका बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा, इनका कैरियर और घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आपका दिन और भी बेहतर और अच्छा हो सके। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक नई नई वीडियो समय समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। आपका कैरियर इस समय रफ्तार पकड़ता दिखाई देगा, व्यापारी जातकों को भी बिजनेस को विस्तार देने का मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, आर्थिक जीवन में आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, हालांकि थोड़े खर्चों में भी इजाफा होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, और दोस्तों जीवन साथी के साथ भी रिश्ता बेहतर होगा, संतान पक्ष को भी पढ़ाई में बेहतर करने के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति आज काफी बेहतर और मजबूत होगी। नौकरी करने वालों के लिए परिणाम सामान्य रहेंगे, अब आपको कैरियर में अनुकूल फल प्राप्त होंगे। व्यापार कर रहे जातकों को किसी गुप्त स्रोत से धन लाभ होगा, जो जातक व्यवसाय करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप में बिजनेस करने से लाभ प्राप्त होगा। नक्षत्रों के संयोग से आर्थिक जीवन में थोड़े कष्ट हो सकते हैं, लेकिन आपके ग्रहों की शुभ दृष्टि आपको शुभ फल प्रदान करेगी और धन कमाने के कई मौके भी प्रदान करेगी। छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके सभी रुके हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, आर्थिक जीवन में खर्चे बढ़ेंगे लेकिन धन की कहीं से कोई कमी नहीं होगी, अब रुका हुआ धन वापस आपको मिलेगा, कर्जों से भी मुक्ति मिलेगी। चल अचल संपत्ति के प्रयासों में थोड़ा व्यवधान आ सकता है, वाहन भूमि और प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से लाभ प्राप्त होगा, अब कोई मकान या प्रॉपर्टी या कोई वाहन लेने के शुभ योग रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों जरूरी दस्तावेजों की पूर्ण जानकारी अवश्य कर लें ताकि आपके साथ धोखा न हो, साथ ही साथ वाहन इत्यादि से भी सावधान रहें। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए यह समय शुभ रहेगा, छोटे भाई बहनों का इस समय आपको सहयोग अवश्य प्राप्त होगा, संतान के लिए यह समय अच्छा रहेगा। शादीशुदा लोगों को जीवन साथी की मदद से कार्य क्षेत्र में कोई लाभ मिलेगा, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेमी के साथ मिलकर कोई बड़ा निर्णय अब लेने वाले हैं, इस समय लव मैरिज के भी योग रहेंगे। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो जल्दी आपकी मुलाकात किसी खास शख्स से होने वाली है, घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए आज क्या नेगेटिव रहने वाला है, आज आप अपने मन को नियंत्रण में रखें, अगर आप वाहन चला रहे हैं तो वाहन पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी, अन्यथा की गई गलती का बड़ा खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है, अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं और इससे मानसिक और शारीरिक परेशानी बढ़ जाएगी और अनावश्यक ही धन खर्च बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, छात्रों और युवाओं को पढ़ाई में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने किसी शुभ चिंतक या बड़े बुजुर्ग की राय या सलाह लेना आवश्यक है। कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों से सावधान रहें, सतर्क रहें, आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। अगर आपने समय रहते अपने प्यार का इजहार नहीं किया है तो यह आपको नुकसानदायक सिद्ध होगा, वह किसी और का हो जाए, आपका मित्र शायद। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा, आपको अपनी लव लाइफ में बहुत संभल कर चलना होगा, लव बर्ड्स के लिए समय बहुत ही शानदार साबित होगा। दोस्तों, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आज आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, अपने सभी कार्यों को दक्षता के साथ पूरा करेंगे, हालांकि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, जैसे कि जोड़ों में दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, यदि कोई बीमारी बड़ा रूप ले लेती है तो तुरंत आपको किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता होगी। जी हाँ दोस्तों, आज आप ये उपाय अवश्य करें, चींटियों को मीठा हटा डालें, साथ ही सूर्य पूजन के उपरांत सूर्य देव को जल अर्पित करें और वहीं पर आसन ग्रहण करके 108 बार ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होंगी। दोस्तों, आपको सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, कमेंट में जय सूर्यदेव से लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।